अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन साहसी के तहत चलाए जा रहे अभियान में प्रशिक्षकों व पुलिस के सहयोग से छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बदलते समय व परिवेश में देश और समाज के ज्वलंत मुद्दों में महिला शिक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गतिविधियां तेज कर दी है। मिशन साहसी राष्ट्रीय प्रकल्प के साथ पूरे देश में छात्राओं को आत्मरक्षा और सजगता के गुर एबीवीपी द्वारा सिखाए जा रहे हैं। एबीवीपी रामपुर महाविद्यालय विभाग की प्रमुख उपासना ठाकुर ने बताया कि कराटे प्रशिक्षकों व पुलिस की सहायता ली जाएगी ताकि छात्राएं आत्मरक्षा के लिए सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्मरक्षा के गुर सीखे बिना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, इसके लिए सशक्त भी बनना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिशन साहसी के तहत लड़कियों और महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो ये आज प्रेस वार्ता कराई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है मिशन साहसी। मिशन साहसी एक ऐसा प्रकल्प है राष्ट्रीय या एक राष्ट्रीय प्रकल्प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो चलाया जा रहा है पूरे राष्ट्र भर में। इससे महिलाओं लड़कियों को छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, मेकिंग द फियरलेस, उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमें आए दिनों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि आए दिनों में लड़कियों महिलाओं के साथ सरेआम छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती है। अब हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही है, इसीलिए महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना अनिवार्य हो गया है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।